जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज होलिका दहन होने वाला है और आज रात्रि के लिए मैं इतना अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट, जिसमें आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट आपकी जिंदगी से एकदम निकल जाएंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम उपाय है आपकी जिंदगी को सहज और सरल बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू रखते हैं तो आप बेडरूम में ना रखें, किचन में ना रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई बाहर वाला व्यक्ति झाड़ू को देखे ना, क्योंकि कहते हैं ये लक्ष्मी होती है। कभी हमें झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही जब हम पूरे घर की सुबह झाड़ू निकालते हैं उसके बाद साफ स्वच्छ करके रखना चाहिए। यदि हम पानी से झाड़ू धोते हैं तो सूखी करके उसे गीली अवस्था में ना रखें, इससे बहुत ज़्यादा दोष लगता है। साथ ही झाड़ू कभी भी आप नई शुरू करने की सोच रहे हैं या नई लाने की सोच रहे हैं या पुरानी झाड़ू को अपने घर से बाहर निकालने की सोच रहे हैं तो ये कार्य हमेशा ध्यान रखें शनिवार के दिन करें। टूटी हुई झाड़ू हमारे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि झाड़ू थोड़ी अच्छी अवस्था में भी हो तो साल भर से ज़्यादा आप ना चलाएं। आप यदि पुराने घर से नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले जाते समय आप पुरानी झाड़ू को अपने घर में ना लेके जाएं, नई झाड़ू को लेकर ही जाएं। भले ही बाद में आप वो झाड़ू पुरानी झाड़ू भी ला सकते हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले तो आप नई झाड़ू लेकर प्रवेश करें, क्योंकि कहते हैं जो लोग नए मकान में पुरानी झाड़ू को लेकर प्रवेश करते हैं उसे हमारी जो भी नेगेटिव ऊर्जा, जो भी झाड़ू में बहुत सारे साल भर तक उसने कितनी हमारे घर का कचरा और कितनी घर की गंदगी साफ करी होगी, सारी नेगेटिव ऊर्जा उसमें बसी हुई है, वो हमारे साथ साथ नए घर में भी प्रवेश कर जाती है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखें तो बहुत सारे आर्थिक संकटों से तो बच ही सकते हैं। लेकिन आज जो मैं महा उपाय बताने वाली हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा सा कार्य कर आप अपने जीवन को बहुत ही समृद्धिशालियों में बना सकते हैं, साथ ही ऐश्वर्य युक्त बना सकते हैं। आप आज पूर्णिमा का दिन, गुरुवार का दिन और साथ ही होलिका दहन का दिन, बहुत ही विशेष इस बार होलिका दहन हो भी बहुत शुभ योग में रहा है, इसलिए इस बार का महत्व कुछ अधिक है। आप रात्रि में जब जितनी बजे भी सोने के लिए आप घर के अंदर आते हैं, आप छोटा सा कार्य करिए। सिर्फ आज के लिए ये उपाय है, बहुत ही छोटा सा है। आप जो मुख्य द्वार है, आप घर के अंदर आएंगे, सब पूरे घर के मेंबर घर में आ चुके हैं तो आप क्या करते हैं, अपने घर का मेन गेट लगाते हैं। लगाने के बाद जो अंदर का मेन गेट के अंदर का हिस्सा होता है आप उसमें झाड़ू रख दीजिए। उस झाड़ू के नीचे आप 4-5 दाने, सिर्फ 4-5 दाने जीरा रख दीजिए, उस पर झाड़ू रख दीजिए। जीरा दिखना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये कार्य आपको तब करना है जब आपके घर के पूरे मेंबर घर आ चुके हों और आप सोने के लिए जाने की तैयारी हो। उसके बाद सुबह ही बाहर का दरवाजा खुलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये बात तो आपने भी सुन के रखी होगी कि वैसे डेली में भी ये कार्य करें तो बहुत अच्छा रहता है। जब आप रात्रि में सोते हैं और अपने मुख्य दरवाजे जो जिसे आप बाहर की ओर जाते हैं उसके अंदर आप झाड़ू यदि आड़ी करके रख दें तो आपके घर में रात भर में जो नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये कार्य रात्रि में ही करना चाहिए, दिन के समय झाड़ू को कभी बाहर नहीं रखना चाहिए। आप रोज करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन होली के लिए विशेष बहुत अच्छा उपाय है ये 4-5 दाने जीरा, क्योंकि जीरा 9 ग्रह का कारक होता है। और जब आप रात्रि में सोते समय होलिका दहन के दिन आप 4-5 दाने जीरे के झाड़ू के नीचे दबा देते हैं, इस तरीके से दबाएं कि कोई देखे ना, किसी को दिखे ना। आप ऐसा करके सोते हैं, 9 ग्रह जो भी होते हैं उनके जो भी आपके ऊपर कुछ भी बुरे प्रभाव होने वाले होते हैं वह सब हट जाते हैं, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आप सुबह जब उठेंगे सबसे पहले आपको ये कार्य करना है कि उस झाड़ू से आप एक सुपड़ी या कोई भी वस्तु में, कोई भी हाथ में जीरा समेट लीजिए
उसको ले जाकर घर से थोड़ी दूर पर फेंक आइए। बस आपको इतना ही करना है। अब देखेंगे कि सिर्फ इतना मात्र कर देने से, और ये कार्य आपको होलिका दहन के दिन यानी आज के दिन गुरुवार के दिन रात्रि में करना है, जब सब घर के मेंबर सदस्य घर में आ चुके हों। तब रात्रि में अब कोई मेंबर बाहर जाए और झाड़ू वहां रखी हुई है तो उचित नहीं है, इसलिए आपको तभी करना है जब घर के सभी मेंबर घर में आ चुके हों। आपको सिर्फ इतना कार्य करके देखें, आप आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके नए नए रोजगार के अवसर आपके प्राप्त होने लगे हैं, आपके सामने कुछ नए नए ऐसे कार्य आने लगे हैं जिससे आपको आमदनी ज्यादा होने लगेगी। कर देखें, बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक। कहते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, वो वाला उपाय है। आप करें अवश्य, आप पर और आपके पूरे परिवार पर महाकाल की पूरी पूरी कृपा प्राप्त हो। साथ ही आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।